पिछले 30 सालों से जो कर रहा था राज, बेटों ने ही उसे पहुंचा दिया जेल, जिससे कांपता था पूरा मिस्र। आज वो है सलाखों के पीछे। हुस्नी मुबारक, वो नाम जिसने 30 साल से ज्यादा वक्त तक मिस्र पर राज किया, सत्ता को अपने पास रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया। अपने बेटों की करतूतों की वजह से वो जेल में है। सिर्फ वही नहीं, वो बेटे जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वो भी उसके साथ सलाखों के पीछे हैं। उसी देश में जिसमें हुस्नी के मुंह से निकली हर बात कानून बन जाती थी, उनके बेटों के कारनामों के चलते हो गई बगावत। इस तानाशाह के बेटों अला और जमाल मुबारक ने अपने ही देश को लूट लिया। हुस्नी के दोनों बेटों ने जमा की अकूत दौलत। इन दोनों के स्विस बैंक अकाउंट में 34 करोड़ रुपए जमा हैं। अपने बेटे अला के बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए हुस्नी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे बेटे जमाल के कहने पर हुस्नी ने बगावत को दबाने के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या तक करा डाली। लेकिन जुल्म का ये शासन खत्म हो गया। लोगों के विरोध के आगे हुस्नी को सत्ता छोड़नी पड़ी और अब वो अपने दोनों बेटों के साथ जेल की हवा खा रहा है।